हेलो ट्रेडर्स, आज हम एनालाइज करें एक्सआरपी का। एक्सआरपी जो अभी बुलिश जा रहा है और इसका मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा। बाकी क्रिप्टोज बिल्कुल डाउन जा रही हैं, और मैटिक के और सोलो के सोलाना के और इसके बिल्कुल भी कोई सपोर्ट इन्होंने नहीं देखी और बिल्कुल डाउन जा रहे हैं। अभी हम इसका एनालाइज करेंगे और ट्रेंड लाइन लगाएंगे और देखेंगे पूरी कहाँ टेस्ट तक जा करेगी सकता है और किसकी क्या क्या लेवल्स अभी। हैं। अभी ये इसकी जो ट्रेंड लाइन है इसको बहुत अच्छी ये तरह से ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट अभी कर रहा मार्केट है। चल रही अभी है, मार्केट मार्केट जा अभी रही है इसको फिफ्टी अच्छी टू तरह सेंट पे, रेस्पेक्ट उसके कर बाद रही है। इसको ये मार्केट ब्रेक अभी करेगी बुलिश और ब्रेक जाएगी, करने और के भी बाद अभी ये बुलिश ऊपर चला जाएगी। जाएगा, इसके ऊपर ये जाने के देखिए, चांसेस ये बहुत ही इसका, ज़्यादा हैं, ये इसकी ट्रेंड क्योंकि ये लाइन है। बिल्कुल डाउन मार्केट आया अभी ही नहीं है। इसने अपवर्ड, कोई लेवल अब नीचे वाली बुलिश जा कोई रही है, सपोर्ट यहाँ ब्रेक से नहीं दी। रिटेस्ट आया एक करेगी, फिर अपवर्ड सपोर्ट पे चली आया, उन्होंने जाएगी। रिटेस्ट किया, फिर ऊपर ये चला जो गया। रेजिस्टेंस है अभी ये 52 मार्केट ऐसे ही ऊपर सेट की, चली ये जाएगी ब्रेकआउट कर लेगी, ये और 52 इसके सेट ऊपर ब्रेकआउट जाने के करके चांसेस मार्केट बहुत ही ऊपर ज़्यादा चली हैं। जाएगी। और जो है ये बीटीसी, बियरिश नहीं हुई बीटीसी अभी, भी अब बुलिश तो जा रहा है। ये ट्रेंड बीटीसी इसका डाउन बुलिश नहीं है, आएगा, 24,000 बाय कर सकते तक आ हैं। सकता है, वहां पे अच्छी बाय मार्केट बनेगी अच्छी उसकी। तरह बुलिश जा रही है, क्यों? और अभी क्योंकि इसका बुलिश ट्रेंड है, बीटीसी बियरिश नहीं पे हुई कोई है। फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट क्या कर रही है और कहाँ जा रही है। बाइनेंस को क्या हो रहा है उन पे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉइन बेस पे कौन से एलिगेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कैथी वुड का इंटरव्यू सुना, उन्होंने उन्होंने उनमें कहा उन्होंने कहा है कि बीटीसी 1 मिलियन तक जा सकता है, और जो कॉइन बेस और बाइनेंस पे इल्जामात हैं उन इल्जामात में कॉइन बेस को कोई खतरा नहीं, बाइनेंस पे को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि बाइनेंस फ्रॉडुलेंट और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल थी। बाइनेंस पे जो सख्त इल्जामात हैं, अगर वो प्रूव हो गए तो बाइनेंस पे बिलियन डॉलर का जुर्माना लग सकता है और बाइनेंस करप्ट हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है। बैंकरप्ट होने के बाद तो बाइनेंस किसी को कुछ पैसे देने के लिए बचेगा नहीं। हाँ, अगर वो वहाँ से फ्री हो जाता है तो फिर बाइनेंस को कोई खतरा नहीं। ये एक जो ऑब्जर्वेशन है वो भी कैथी लेन की, मेरी कैथी वुड की, ये मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ टेक्निकल एनालाइज करता हूँ और फंडामेंटल पे आपको ज़रूर और भी वीडियोस लाऊंगा और बहुत अच्छी तरह फंडामेंटल्स को भी आपको शेयर करता रहूँगा। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं फंडामेंटल्स पे वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, और मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, और मैं आपसे बहुत सारे ही वीडियोस और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आपसे शेयर करता रहूँगा। मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। ओके बाय।